हम सभी को पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है और 8 प्लैनेट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सन को स्टार कहते हैं, सन प्लैनेट नहीं है। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम यानी कि हमारे प्लैनेट्स मौजूद है उसे मिल्की वे कहते हैं। पर अगर मैं आपको कहूं कि हमारे ही मिल्की वे की तरह और भी अनगिनत गैलेक्सी मौजूद है तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? नहीं तो भी करना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में हमारे ही गैलेक्सी की तरह और भी गैलेक्सी मौजूद है। जब हबल टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के एक छोटे से एरिया पर फोकस किया तब हमें हजारों नए गैलेक्सी मिले। इस इमेज को हबल अल्ट्रा डीप फील्ड नाम दिया गया। जब अंतरिक्ष के एक छोटे से भाग में इतने सारे गैलेक्सी मौजूद हो सकते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे अंतरिक्ष में कितने सारे गैलेक्सी मौजूद होंगे। 2544 लाइट ईयर्स दूर हमें एक और सोलर सिस्टम मिला जिसका नाम वैज्ञानिकों ने केपलर 19 सोलर सिस्टम रखा है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम को केपलर 90 के साथ कंपेयर करें तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है और केपलर 90 में भी 8 प्लैनेट से, पर केपलर 90 का सन हमारे सन से 1.2 गुना बड़ा है। केपलर 90 सूरज का तापमान 6080 डिग्री सेल्सियस है और हमारे सूरज का तापमान 5504 डिग्री सेल्सियस है। 7 मार्च 2009 को नासा ने एक टेलीस्कोप लॉन्च किया था जिसका नाम था केपलर स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप ने 2013 में केपलर 90 सोलर सिस्टम की खोज की थी, क्योंकि टेलीस्कोप का नाम केपलर था और उसी ने इस सोलर सिस्टम की खोज की थी, इसीलिए सोलर सिस्टम का नाम भी केपलर 90 रखा गया। उसके बाद उसके 7 ग्रहों के नाम भी रखे गए, जैसे कि केपलर 90b, केपलर 90c, केपलर 90d, केपलर 90e और केपलर 90f, केपलर 90g, केपलर 90h। उसके बाद 8वां ग्रह दिसंबर 2017 में खोजा गया और उसका नाम केपलर 90i रखा गया।